कौन से जिला से हैं आप? लखीसराय डिस्ट्रिक्ट। लखीसराय से? बिहार शरीफ में पढ़ने आए हैं? यस सर। कैसा पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। मैट्रिक कितना आया था? 91%। 91%। कौन सा बोर्ड से? बिहार बोर्ड से। इस बार मिलाना है ना? स्टडी से लाए थे, कोचिंग नहीं किए थे, सिर्फ घर पे पढ़ के 91%। फिर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। ट्यूशन पढ़ाते हैं। आप लोग का क्यों नहीं, मतलब ज्यादा नंबर आया, पढ़ाई नहीं लिया आप लोग? कुछ प्रॉब्लम आ गया था इसलिए। आप नहीं आए थे? आए थे। यस सर। अच्छा से पढ़िए, पढ़ाई लीजिए आप भी। यस सर। चलिए ताली लगाइए इनके लिए। 31 नंबर से छठ पोजीशन पर। क्या नाम हुआ आपका? आशीष कुमार। कौन से क्लास में है? 12th में। 12th में है। कितना नंबर आपका आया? 31 नंबर। कितना में? 35 में। काम कैसे आया? मेहनत कम हुआ इस। और कैसे मेहनत कीजिए, यहाँ पर नंबर मायने नहीं रखता, वहाँ बोर्ड में मायने रखता है। यस सर। फिर भी अच्छा है, बढ़िया। आप मेहनत करो, है ना? कुछ रहे, कुछ रहे। मैट्रिक में कितना नंबर है बताओगे क्या? 90%। 90%। यस सर। कौन से जिला से हैं आप? पटना जिला से हैं। यहाँ बिहार शरीफ पढ़ने आए? सीबीएसई थे। बिहार बोर्ड। यस सर। 90%। यस सर। तो इस बार लाइए 95। यस सर। लाना है ना? बिल्कुल। 10th में कितना आया था? 92%। 92%। कौन सा बोर्ड से? सीबीएसई से हैं। चलिए इस बार भी लाना है, मतलब 12th में भी लाना है? यस सर लाना है। चलिए ठीक है। चलो बेहतर करो, और भी है ना, खुश रहो। सोच कुछ नया सोच, तेरे अंदर है नया जोश। सोच कुछ नया सोच, तेरे अंदर है नया जोश। तू जिस काम में लग जाएगा उसी में तू उन्नति पाएगा। ना तू नाकारा है ना बेईमान, तेरे सपनों में है बड़ी जान। लग जा तू अब अपने काम में, राह तुझे फिर मिल जाएगी। जला तू अपने बुझे दीप, तेरे घर लक्ष्मी आएगी। रख भरोसा अपने आप पर, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। तो अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने आप पर अगर भरोसा है। ये ड्रीम केमिस्ट्री के द्वारा प्रकाशित गैस पेपर, नाम अजूबा है केमिस्ट्री गुटका जी। लेकिन दुनिया की पहली ये एक ऐसा गुटका है जो स्वास्थ्य के लिए एकदम लाभदायक है। हमारे पास एक लिस्ट है और वो लिस्ट है 11th टेस्ट की रिजल्ट का। कई सारे बच्चे 11th में भाग लिए थे टेस्ट रिजल्ट में, तो उन्हीं का रिजल्ट है और उनका कुछ प्राइज है मेरे पास, तो वही प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि यहाँ पर कई सारे 11th के बच्चे हैं, 5-10 जो वही इस व्यू से आए थे, चूँकि वो टॉप किए हैं तो उनका प्राइज है हमारे पास, तो इसलिए आए थे। एक्चुअली ये क्लास 12th का था। तो पहला जो बच्चा है, 25 नंबर का टेस्ट हुआ था और 25 में एक बच्चे का 24 है जिसका नाम है हर्ष कुमार। हर्ष कौन है? चलिए उनके लिए ताली लगाइए एक बार। तो हर्ष के लिए एक हमने बेहतरीन वो चीज लाया जिसको देख करके दुनिया आगे बढ़ता है, और वो चीज है हमारा एक घड़ी है भाई। और अच्छा विद्यार्थी है। मैट्रिक में कितना नंबर है बताओगे क्या? 90%। 90%। यस सर। कौन से जिला से हैं आप? पटना जिला से हैं। यहाँ बिहार से पढ़ने आए हैं? सीबीएसई थे। बिहार बोर्ड। यस सर। 90%। यस सर। तो इस बार लाइए 95। यस सर। लाना है ना? बिल्कुल लाना है। देखिए ये प्राइज होता है, ये घड़ी मात्र नहीं है, ये आपका मान सम्मान है, समझिए। ये प्राइज का कोई कीमत नहीं होता है। अब बिहार टॉप कीजिए और ज्यादा मतलब नाम रोशन कीजिए। यस सर। चलिए ठीक है। दूसरा है राइडर ऋषभ। चलिए इनके लिए भी ताली लगाइए। और राइडर ऋषभ हैं, ये सेकेंड पोजीशन पर हैं। कितना नंबर आया इनका? इनका है, क्या नाम हुआ आपका? ऋषभ राज। कौन से क्लास में अभी है? 11th में। यस सर। 10th में कितना आया था? 92%। 92%। कौन सा बोर्ड से? सीबीएसई से हैं। चलिए इस बार भी लाना है, मतलब 12th में भी लाना है? यस सर लाना है। चलिए ठीक है। चलो बेहतर करो, और भी है ना, खुश रहो।
और उसके बाद एक है थर्ड पोजीशन पर राजनंदिनी, वो तो आई नहीं है, शाम वाला बैच है ये। उसके बाद रमेश कुमार है क्या? रमेश कुमार नहीं आया लगता, रमेश कुमार। तो ये सब तो ठीक है। अब ट्वेल्थ का मैं बता दूं, फर्स्ट प्राइज ट्वेल्थ का, ट्वेल्थ का 35 नंबर का टेस्ट हुआ था ऑब्जेक्टिव का, तो उसमें एक बच्चे का है 35 में 33 नंबर लाया है और वो फर्स्ट है, पहला स्थान है उसका, नाम मनीष कुमार, 7 से 8 मनीष कुमार। चलिए इनके लिए एक बार तालियां लगाइएगा, उधर दिखाइएगा। देखिए ये बैक बेंचर है और बैक बेंचर है, पीछे बैठ के भी इन्होंने इतना नंबर लाया, इसके लिए इनको दिल से धन्यवाद मनीष। और ये शायद मैट्रिक में भी अच्छा नंबर लाया था। क्या नाम हुआ आपका? मनीष कुमार। कौन से जिला से हैं आप? लखीसराय डिस्ट्रिक्ट। लखीसराय से? बिहार से पढ़ने आए हैं? यस सर। कैसा पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। मैट्रिक कितना आया था? 91% कौन सा बोर्ड से? बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड से इस बार भी लाना है ना? एसएससी से लाए थे, कोचिंग नहीं किए थे, सिर्फ घर पे पढ़ के 91%। फिर बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे। ट्यूशन पढ़ाते थे? जिम्मेवार पैसा नहीं जुटा पाते थे, तो बच्चों को पढ़ाना पड़ा था, ट्यूशन स्टार्ट कर दिए थे घर पे, फिर 91%। चलिए इस बार भी लाइए, टॉप लाइए आप, फिर आपसे इंटरव्यू लेंगे। और ये देखकर हमें काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर सर जो है मतलब बच्चों को प्रोत्साहित करने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे करने से बच्चों में प्रोत्साहन जगता है और पढ़ने में उनको रुचि बढ़ता है, देख सकते हैं। दूसरा विद्यार्थी हमारे पास, ये सेकंड टॉपर है, नेहा कुमारी, तो वो तो आई नहीं, शाम का बैच है ये। और सेकंड टॉपर में एक और है अनूप कुमार, 7 से 8 चलिए इनके लिए तालियां लगाइएगा। क्या नाम हुआ आपका? अनूप कुमार। कौन से क्लास में है? 12th में। 12th में है? Yes. मैट्रिक में कितना आया था? 45% आया था। Yes. तो इस बार टॉप लाइए, ऐसा कोई बात नहीं है कि मैट्रिक में कम आया था तो इस बार भी कम आएगा, कस के मेहनत कीजिए और टॉप लाइए। Yes. मतलब कितना, कौन सा पोजीशन आपका आया? सेकंड पोजीशन इसका। सेकंड पोजीशन है, चलिए Yes. कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, जाइए खुश रहिए, जाइए। उसके बाद थर्ड पोजीशन पर है आशीष कुमार, 7 से 8 आशीष, कोई आशीष कुमार है क्या? दिखाइएगा उधर आशीष। चलिए ताले लगाइए इनके लिए। 31 नंबर से थर्ड पोजीशन पर। क्या नाम हुआ आपका? आशीष कुमार। कौन से क्लास में? 12th में। 12th में है? कितना नंबर आपका आया? 31 नंबर। कितना में? 35। 35 में। काम कैसे आया? मेहनत कम हुआ इस। तो और कैसे मेहनत कीजिए, यहाँ पर नंबर मायने नहीं रखता, वहाँ बोर्ड में मायने रखता है। यस सर। फिर भी अच्छा है, बढ़िया, आप मेहनत करो, है ना? कुछ रहे, कुछ रहे। चलिए हो गया सर, सबका हो गया। 31 नंबर में एक और है थर्ड पोजिशन पर, एक और है, दो बच्चे हैं थर्ड पोजिशन पे, एक है सूरज कुमार, 7 से 8 सूरज दिखाइएगा। चलिए ताले लगाइए इनके लिए। क्या नाम हुआ आपका? सूरज कुमार। कौन से क्लास में है? 12th। 12th में जी। कितना नंबर आपका आया? 31 नंबर। 31 नंबर। कितना में? 35 में। 35 में। तो अभी यहाँ पर 31 नंबर आया है जी, वहाँ पर जल्दी लाइएगा ना बोर्ड में। यस। ठीक, चलो और भी मेहनत करो, तुम्हारे लिए फाइल है। चलिए ठीक है, जाइए। चलिए अब तो हो गया सर, खुश रहो। सर तो कितने जगह पर तो ऐसा नहीं करते हैं सर, आप ऐसा क्यों करते हैं सर, आपको ये कहाँ से मतलब आइडिया आया ऐसे करने का? ऐसा मैं इसलिए करता हूँ जी, इससे बच्चे मोटिवेट होते हैं जी। और जैसे कुछ बच्चे अभी प्राइज लिए, तो कुछ लोग को लग रहा होगा कि नहीं इस बार हम भी मेहनत करेंगे और इस बार हम जीतेंगे जंग जी, और हम लेंगे पहला प्राइस जी। तो ऐसा एक मोटिव आता है मन में, और अगर ऐसा मोटिव आता है तो वो पढ़ते हैं। और बेहतर करते हैं, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। यही नहीं, बहुत सारा चीज, जैसे क्यूज भी कभी कभी खिलाता हूँ, क्यूज में भी बच्चे कोई हार जाते हैं कोई जीत जाते हैं, तो वहां पर एक मजा आता है, क्यूज खेलने से सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, तो ये सब करते रहता हूँ। और हाँ, एक गैस पेपर भी हमने लॉन्च किया, थोड़ा नाम अजीब है जी। लेकिन काम उसका खतरनाक है,
एक हमने गैस पेपर लॉन्च किया है सर, और ये ड्रीम केमिस्ट्री के द्वारा प्रकाशित गैस पेपर नाम अजूबा है केमिस्ट्री गुटका जी। लेकिन दुनिया की पहली ये एक ऐसा गुटका है जो स्वास्थ्य के लिए एकदम लाभदायक है, क्योंकि क्योंकि इसमें मात्र 8 पेज है, काफी पतला है, ये काफी पतला है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा फंडा है। आपका बनाया हुआ है? जी मेरा बनाया हुआ है, मैं इधर पीछे हूँ। तो इससे पिछले बार 70 में 50 नंबर आए थे ऑब्जेक्टिव सहित। 70 में 50 नंबर सर इसी से था, इसी से आया था, और इस बार फिर रहेगा सर, फिर रहेगा। तो मैं कहता हूँ कि कोई भी बच्चे जो इसको लिए हैं ढंग से पढ़ करके जाइए, आपका एग्जाम बल्ले बल्ले हो जाएगा, कहीं कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो ये है, ठीक है, इधर कीजिएगा। आप लोग का क्यों नहीं, मतलब ज्यादा नंबर आया, पढ़ाई नहीं लिया आप लोग? कुछ प्रॉब्लम आ गया था, इसलिए आप नहीं आए थे? आए थे यस सर। अच्छा से पढ़िए, पढ़ाई लीजिए आप भी। यस सर, ठीक है। यहाँ पर एक बोल रहा बच्चा कि भाई पीछे लिखे हैं सर जी। तो विद्यार्थियों, हम आपसे यही कहेंगे कि अपना सोच बड़ा रखिए, आपका सोच बड़ा होना चाहिए, और ये होगा कब, जब आप हमेशा कभी ना कभी अपने दिल से पूछते रहेंगे तब। आप कितना परफेक्ट बन रहे हैं, अपने आप को कितना निखार रहे हैं, ये अपने दिल से पूछिए, ये आपका दिल बताएगा। वो कहते हैं ना, सोच सोच कुछ नया सोच, तेरे अंदर है नया जोश। सोच सोच कुछ नया सोच, तेरे अंदर है नया जोश। तू जिस काम में लग जाएगा उसी में तू उन्नति पाएगा। ना तू नाकारा है ना बेईमान, तेरे सपनों में है बड़ी जान। लग जा तू अब अपने काम में, राह तुझे फिर मिल जाएगी। जला तू अपने बुझे दीप, तेरे घर लक्ष्मी आएगी। रख भरोसा अपने आप पर, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी, तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। तो अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने आप पर अगर भरोसा है तो पूरे दुनिया को आप जीत सकते हैं। अपने आप पर अगर भरोसा आप रखते हैं तो पूरे दुनिया को जीत सकते हैं। एक पत्थर जिसका कोई मुराद नहीं होता है, जो यहाँ वहां सड़कों पर फेंका रहता है, लेकिन आप उस पत्थर से अगर आप लगाव कर लेते हैं, उस पत्थर पर आप विश्वास कर लेते हैं, उस पत्थर से अगर आप मोहब्बत कर लेते हैं, तो वही पत्थर आपके लिए शंकर बन जाता है, और किसी के लिए अल्लाह, किसी के लिए खुदा, तो किसी के लिए ताला बन जाता है। तो हम आपको कहते हैं, एक विश्वास ऐसा चीज है जो एक पत्थर को भगवान बना देता है। विश्वास में एक ऐसी ताकत है जो एक पत्थर को भगवान बना दिया। इसलिए हम आपको कहते हैं, आप अपने आप पर विश्वास करिए, खुद से मोहब्बत करिए, खुद पे भरोसा करिए, खुद पर विश्वास करिए, उसके बाद आपको दुनिया में आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता है। तो अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, ठीक है। जितने भी बच्चे मतलब प्राइज लिए उनको तो शुभकामना है ही, और जो नहीं लिए वो भी मतलब अच्छा करें। आप लिए थे प्राइज? नहीं नहीं। क्यों नहीं लिए? एक नंबर से पीछे रह गए। एक नंबर से पीछे रह गए सर। टॉप 5 में जो भी लोग हैं उनको पुरस्कृत करें। तो आप भी कोशिश करिए कि मतलब और एक नंबर से आगे हों, क्योंकि आप ही के मतलब बगल के बैठने वाले हैं ना। हाँ। आप ही के क्लास के हैं। यस। आप ही के दोस्त होंगे। यस। वो लाए। हाँ। तो आप अभी से मेहनत तेज कर दीजिए, कि अभी ठीक है यहाँ पर तो नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग मतलब बोर्ड में जिसे अच्छा नंबर लाए। यस। ताकि आप लोग के साथ आप लोग के पापा मम्मी का उम्मीद है। यस। और सर का भी उम्मीद है। यस। तो अच्छा कीजिए आप लोग, और इन लोग के साथ मेरा शुभकामना है कि इन लोग अच्छे नंबर से पास करें और अच्छे नंबर लाएं। और अब काफी कम समय बचा हुआ है, और इन लोग से अब मतलब परीक्षा के बाद ही मिलेंगे। अगर कितने बच्चे ऐसे भी होंगे जो इसी में से टॉप लाएंगे, टॉप 10 में लाएंगे, तो मतलब बहुत सारे बच्चे इसमें से टॉप भी करेंगे, तो उन लोग से मतलब टॉप करने के बाद फिर मिलेंगे। और इन लोग से मिलकर काफी अच्छा लगा, और हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे बच्चे थे, सर थे, और मैं था आपके साथ प्रद्युमन यादव। जय हिंद।